भारत पाक बॉर्डर का वो अंतिम इलाका है जहां पर समुन्द्र में बीएसएफ के जवान 24 घंटे अलर्ट होकर करते हैं गश्त। बाड़मेर। भारत पाक सीमा बॉर्डर स्थित बीएसएफ की स्प्लिट बोट में समुद्री इलाके में 24 घंटे गश्त करते हैं बीएसएफ के जवान। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि कोक्रोडाइल कमांडो जो पलक झपकते ही दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। भारत पाक बॉर्डर का अंतिम पिलर 1175 है, जिसके बाद बॉर्डर लाइन की कोई भी निशानी नहीं है, जहां पर भारत के जवान 24 घंटे समुद्र इलाके में स्प्लिट बोट में बैठकर करते हैं गश्त। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान, इस समुद्री इलाके में स्प्लिट बोट में बैठकर बीएसएफ के जवान 24 घंटे आपको गश्त करते हुए नजर आएंगे। तो धन्यवाद साथियों, ये पूरी तस्वीरें देखें आप, 3 मिनट का वीडियो है। इस 3 मिनट के वीडियो को आप पूरी लाइव तस्वीरें देखें, बीएसएफ के जवान समुद्री इलाके में कैसे गश्त कर रहे हैं। भारत पाक सीमा अपने यहाँ बॉर्डर की है, गुजरात सीमा के नज़दीकी वहाँ की है। स्प्लिट बोट में बैठकर बीएसएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। तो एक बार शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। बीएसएफ के जवानों के लिए एक बार एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद। दो जने मुंह बाहर की तरफ कर लो, और ये नजदीक आ जाओ। हाँ, ये बस, ये ऐसे लगना चाहिए कि इस जगह पर आ गए आप, कुछ मिल गया यहाँ। यस, दिस द वे। ये बस आपका तीन। ये जो सामने दिख रहा है ये हरामी नाला है, और इस वक्त हम गुजरात के कच्छ भुज इलाके से हरामी नाले से, और यहाँ का जो अंतिम पिलर है बॉर्डर लाइन का वो 1175 मतलब 1175 नंबर का पिलर है वो। ये जो सामने दिख रहा है, जैसे ही ये कच्छ का रण और उसके बाद पानी दिख रहा है, ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है। इस वक्त हम बॉर्डर लाइन पर हैं।